हालेलुया। तो प्रेरित जी जे बैंड बता रहे कि जैसे जे बता रहे कि इनका बीपी की प्रॉब्लम थी, उनकी शुगर भी काफी बढ़ गई थी, जे बता रहे कि घर से जे आ नहीं सकते थे, और जे बता रहे कि इनकी फैमिली भी इन्हें रोक रही थी कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप संगति में आज ना जाओ। जे बता रहे पर जे विश्वास से है कि आज परमेश्वर मुझे शुगर की प्रॉब्लम से भी, और जो इनका बीपी हाई रहता है उससे भी परमेश्वर मुझे आजाद करेंगे। जे बता रहे कि जैसे अभी जे बता रहे कि जब परमेश्वर के दास प्रेयर कर रहे थे उस समय इन्होंने मास प्रेयर को रिसीव किया, जे बता रहे उसी समय प्रभु की सामर्थ ने इनको टच किया, और जे बता रहे भी बिल्कुल बॉडी में हल्का पाने कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, जो बिल्कुल अभी सही हो चुके। इस गवाही के लिए जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सब तारीफ करेंगे। तारीफ करो, आप हमेशा के लिए फ्री हो। तो विश्वास करना, ये आज से आपका बीपी बढ़ेगा नहीं, संदेह नहीं करना, डर नहीं रखना। बोलो क्या डर? खुशी से आना, दौड़ कर आना, प्रभु आपके साथ है। हमें बताएं बताएं, जल्दी से जल्दी से। हालेलुया, पास्टर ये सिस्टर बता रही कि एक हफ्ते से इनके गले में बहुत ही ज्यादा दर्द थी, खांसी की वजह से इनको खांसी थी, और जिसकी वजह से ये बहुत ही परेशान थे। और जैसे आज जो परमेश्वर के दास मुख से परफेक्टिक वर्ड आया और इन्होंने इस परफेक्टिक वर्ड को रिसीव किया, ये बहन बता रही कि परमेश्वर की ग्रेस ने इनको छुआ है, अब इस गले के प्रॉब्लम से दर्द से ये बिल्कुल ही फ्री है। कितने दिन से थी? एक हफ्ते से थी, और परेशान थे, खाने पीने भी मुश्किल थी। हाँ, खाने पीने में मुश्किल आ रही थी। हाँ जी पापा जी। आज खुदा की रूह ने छुआ और आप डिलीवर हो, फ्री हो। तारीफ करो जोर से। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। तो प्रेरित जी जो सिस्टर बता रहे कि एक हफ्ता हो गया था, इनका सिर बहुत ही बारी पानता सिर में, जो बता रहे कि इनको गुस्सा भी बहुत आता था, और जो बता रहे जब परमेश्वर के दास प्रेयर कर रहे थे उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको टच किया और इनको वॉमिटिंग्स आई। जो बता रहे जैसे जो वॉमिटिंग्स करने के लिए गए उसके बाद इन्होंने चेक किया, इनकी जो बॉडी थी बिल्कुल हल्का पान था, सिर में भी कोई बारी पान नहीं था। परमेश्वर ने इनको इसी समय पूरी तरह से जो सिर की प्रॉब्लम थी फ्री कर दिया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम सब तारीफ करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, पास्टर ये बहन बता रही कि 5-6 हफ्तों से इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्डन था और ये काफी टेंशन में थे, जिसकी वजह से इनको ऐसे अपने सिर में बहुत ही ज्यादा भारी फन फील होता था। ये बहन बता रही कि मैं 5-6 दिन से या 5-6 हफ्तों से सो नहीं पाई, मुझे अचानक ऐसी कोई टेंशन मेरे ऊपर आ जाती है, तो जिसकी वजह से मेरा सिर भी बहुत ज़्यादा मुझे भारी फील होता है। और जैसे आज इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, बहन बता रही कि परमेश्वर की ग्रेस ने इनको छुआ, जिनके सिर में इनको बहुत ही ज़्यादा भारी फील होता है अब इस प्रॉब्लम से ये बिल्कुल ही फ्री है। फिर से अपने हाथों को उठाएं। कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस और वो खुदा हमारे बीच है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच है? हाथों को उठाओ, फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करो। जो ऑनलाइन भी है, जो ऑनलाइन भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस को, उसकी हजूरी को महसूस करना ही जीवन है। आमेन, आमेन। ये देखो, कोई झूठ बूठ तो बोलेगा नहीं ना। अगर वो परेशान थी उस बर्डन से, तो फ्री किया ना परमेश्वर की प्रेजेंस ने, उसकी हजूरी ने फ्री किया है। कितने विश्वास करते हैं कि आज मैं भी फ्री होकर जाऊंगी पूरी तरह से, मैं भी अपनी बड़ी गवाहियों से आऊंगी, आऊंगा मैं भी। करते विश्वास? ऐसा हो चुका है। आमेन। बताओ बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हालेलुया। तो प्रेरित जी जी बहन बता रहे कि एक साल हो गया इनकी हार्ट की प्रॉब्लम थी, जो बता रहे इनके दिल में, इनके हार्ट में दर्द रहती थी, जिसके कारण जो बता रहे कि इनकी राइट साइड की बाजू में भी उसका प्रभाव पड़ता था। जो बता रहे कि
बहुत ज्यादा जो परेशान थे और जो बता रहे पहले जो मेडिसिन खा रहे थे पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, जो बता रहे काफी समय से इन्होंने मेडिसिन भी छोड़ दी, विश्वास नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से फ्री कर चुके। जो बता रहे कि जैसे आज परमेश्वर के दान से प्रेयर कर रहे थे उस समय इन्होंने अपना मन लगाया, उसे समय जो बता रहे परमेश्वर के सामर्थ्य ने इनको टच किया। जो बता रहे कि जो दर्द कभी नहीं रुकती थी आज उसे समय उस दर्द से जो फ्री हो चुके। कौन से बाजू में? हार्ट में दर्द अच्छा, होते थे हांस में, हार्ट में, जिसके कारण इनकी राइट साइड बाजू में रहती थी। कितने समय से? 2-2.5 साल हो गए बस। मतलब हल्की हल्की वो दर्द चलती रहती थी, चलती रहती, बाजू भी ऐसे लग जाता है कभी कभी। अच्छा, बाजू भी ऐसे अपने आप ऐसे हो जाती है। आपने अच्छे से चेक किया, अभी कोई दर्द नहीं? तारीफ करो जोर से, जोर से तारीफ करो। बहुत ही ज्यादा भारीपन फील हो रहा था और बहुत ही ज्यादा दर्द भी थी, और जैसे आज इन्होंने हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, मैंने बताया कि परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ है, अब इस प्रॉब्लम से ये बिल्कुल आजाद हैं। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। तो प्रेरे जी जब इसे बता रहे हैं कि 5 दिन हो गए इनको बहुत ज्यादा खांसी की प्रॉब्लम है, जिसके कारण इनके गले में बहुत दर्द रहती थी। जब बता रहे जब चलते उस समय भी इनके गले में दर्द रहती थी। जब बता रहे जैसे आज मीटिंग में आज बता रहे सुबह से ही परमेश्वर जो बता रहे खांसी थी उससे तो परमेश्वर उसी समय इनको फ्री कर दिया जो दर्द थी। जब बता रहे जब परमेश्वर के दास प्रेयर कर रहे थे कि जिनके गले की दर्द उस समय इन्होंने विश्वास किया और बिल्कुल उस दर्द से भी फ्री हो चुके। तारीफ करो इन सब गवाहियों के लिए, सब बातों के लिए। अपने हाथों को उठाकर खुदा के नाम की महिमा करो। हालेलुया। तो प्रेरित जी जो सिस्टर बता रहे कि 8 दिन हो गए इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, और जो बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड है कि जिनके पेट की कोई भी प्रॉब्लम है वो अपने पेट पर हाथ रखे, और जो बता रहे जैसे उन्होंने पेट पर हाथ रखा उसे समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, अभी बिल्कुल उस दर्द से फ्री हो चुके। कितने दिन से? आज सुबह की हो रही थी कि 8 दिन से? 8 दिन से हो रही थी जी। और जैसे ही सामर्थ्य ने टच किया वो सारी दर्द गई जी। सुनने में नॉर्मल लगता भाई, जिसको हो रही उसको पूछ कर देखो। अगर आपके हुई है तो आपको पता है कि नहीं होता, जब पेट में दर्द होती है तो बंदे का हाल क्या होता है। 8 दिन से हो रही थी। इसके लिए मेडिसिन भी खाई, कोई गोली खाई है दर्द की? खाई, पर उससे भी आराम नहीं मिला, पर खुदा की सामर्थ्य ने टच किया और सारी दर्द जा चुकी। तारीफ करो जोर से। अनोखे काम करीदा है यहोवा, अनोखे काम करीदा है दिन से करीदा। हालेलुया। तो प्रेरित जी जो सिस्टर बता रहे कि इनके राइट साइड कान में बहुत ज्यादा खारिश थी गल से, जो बता रहे कि और दर्द भी बहुत हो रहा था, और जो बता रहे कि इनको सुन भी कम रहा था, और जो बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, अभी जो बता रहे कि पूरी तरह से परमेश्वर ने इस दर्द से भी इनको फ्री कर दिया, और जो कान में खारिश हो रही थी और जो इनको सुन नहीं रहा था अभी इन्होंने चेक किया देखा, अभी बिल्कुल इनको अच्छे से सुन भी रहा। तारीफ करते जाओ जोर से जोर से। बताओ नेक्स्ट जल्दी आने दो जल्दी से। कितने विश्वास करते हैं कि जिस समय इस समय का जो प्रबंध है, जो परमेश्वर का कानून है, बोलो क्या है? मेरे लिए वो सब कुछ पूरा करेगा कि कर चुका है, क्योंकि उसका राज्य आएगा नहीं, आ चुका है। आमीन। मेरा आएगा नहीं, आ चुका है। कम करो। आएगा नहीं, आ चुका है। मैंने कहा आ चुका है।
हाँ बताओ बताओ जल्दी। हालेलुया। तो प्रेरित जी जब जी बता रहे कि दो हफ्ते हो गए इनके गर्दन में बहुत दर्द थे, जो बता रहे हैं कि कल जी इन्होंने गर्दन की मालिश भी करवा कर आए थे और जो बता रहे हैं फिर भी दर्द का कोई फर्क नहीं पड़ा था, और जो बता रहे जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड है कि जिसको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो जो बता रहे उसी समय इन्होंने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और विश्वास किया, जो बता रहे कि उसी समय परमेश्वर ने सर से इनको फ्री कर दिया। ओ, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। तो प्रेरित जी जो सिस्टर बता रहे हैं कि इनकी राइट साइड पूरी सुबह से बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, और जो बता रहे हैं कि जैसे अभी मास प्रेयर में इन्होंने अपना मन लगाया उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको शुभ भी बिल्कुल उस दर्द से फ्री है। तारीफ करते जाओ, खुदा के नाम को महिमा दो।